तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेडर एंड फूटर और पेज नंबर का क्या इस्तेमाल है। देखिए वैसे नॉर्मली हेडर एंड फूटर हम कहते हैं किसे, हेडर हम पेपर के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं और फूटर पेपर के बैक वाले हिस्से को कह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हेडर हम कह रहे हैं इस पेज का ये वाला एरिया, जहाँ पे मैं अभी डबल क्लिक करूंगा तो आपके सामने खुल जाएगा, दैट इज कॉल्ड हेडर सेक्शन, और नीचे आएंगे तो इट इज कॉल्ड फूटर सेक्शन। हर पेज का एक हेडर और फूटर सेक्शन होता है और एक पेपर का नॉर्मल एरिया होता है। ये मेरा जो पेपर है ये इसका नॉर्मल एरिया है। नॉर्मल एरिया पे जो आप लिखेंगे वो सिर्फ उसी पेपर पे एग्जिस्ट करेगा जिस पर आपने उसको टाइप किया है, जहाँ पे आपने उसको लिखा है। सेकंड पेज पे जब आप जाएंगे तो वो उस पेज का सिनारियो अलग होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो हेडिंग है मैंने लिखी है अपने पेज के ऊपर, तो इसी पेज पर नजर आएगी, सेकंड पेज पे उसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे मेरे पास ऐसा कोई मसला आ जाता है कि मुझे जो इस पेपर हर पे पेज पे चाहिए, हेडिंग हर पेज पे चाहिए, तो बजाय इसके कि उसको मैं कॉपी करके हर पेज पे पेस्ट करूं, इस काम से बचने के लिए मैं उसी हेडिंग को सेलेक्ट करूं और यहाँ पेपर पे लिखने के बजाय यहाँ डबल क्लिक करूँ हेडर सेक्शन पर। अगर मैं डबल क्लिक नहीं करता तो इसका एक आसान तरीका, इंसर्ट में जाएं और यहाँ से हेडर सेक्शन पे क्लिक कर दें, यहाँ से पहला ही ऑप्शन ले लें, आप हेडर सेक्शन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आके आप उसको लिख दें, टाइप कर दें, पेस्ट कर दें, और आप इससे बाहर आने के लिए यहाँ डबल क्लिक करें नॉर्मल पेज में, तो आपको हर पेज पे ऑटोमेटिकली रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो ये काम है हेडर का। इसी तरह सिमिलरली फूटर पे आप काम कर सकते हैं। अगर कोई काम आप फूटर पे करना चाह रहे हैं डबल क्लिक करें, फूटर सेक्शन में चले जाएं और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, और ये लिखने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको होम में गया और यहाँ सेंटर किया और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसको एम्फसाइज किया, बोल्ड कर दिया और यहाँ डबल क्लिक, हर पेज के सेंटर में ये ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहेगा। तो उस काम से हम बच जाएंगे कि जिसको हमें बार बार करना है, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम चाह रहे हैं कोई लोगो भी हम साथ लगा दें, तो यहाँ डबल क्लिक करें हेडर सेक्शन में, इंसर्ट में जाएं, एक शेप ड्रॉ करें जिसमें आपको अपना लोगो लगाना है, उसको प्रॉपर प्लेस करें, प्रॉपर प्लेस करने के बाद शेप फिल में जाएं, यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करें, यहाँ से फ्रॉम फाइल पे क्लिक करें, और जैसे ही फ्रॉम फाइल पे क्लिक करें तो आप डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएं यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ से आप लेटेस्ट पे चले जाएं, और लेटेस्ट पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक लोगो उसके अंदर फिक्स कर दें जो आप चाह रहे हैं, क्लिक करके जैसे बाहर आएंगे तो वो तमाम पेजेस पर ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहेगा। तो ये इसका एक काम है हेडर एंड फूटर का जो आप इस पर कर सकते हैं, और उसके बाद ये फूटर पे भी हो रहा है। अब अगर हम पेज नंबर लगाना चाहें तो पेज नंबर भी लगा सकते हैं। पेज नंबर लगाने की जरूरत क्या पड़ती है, देखिए अभी अभी डॉक्यूमेंट के 4 पेजेस हैं, अगर आप इन 4 पेजेस को प्रिंट आउट करेंगे तो आपके लिए ये जरा जज करना मुश्किल हो जाएगा प्रिंट के बाद, ये पेज नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। ऑल दो कि अगर वो डॉक्यूमेंट आपने ही बनाया है और आपने उसकी स्टडी की है तो आपके लिए ईजी है, लेकिन आप अपने किसी असिस्टेंट को या आप किसी के असिस्टेंट है वो आपको ये काम दे देता है और प्रिंट करने के बाद एकदम आपसे मैसअप हो जाता है, तो आपके लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा उसको आगे पीछे कौन सा है। तो उसके लिए ये है कि आप अपने पेजेस को क्या कर लें, ऑर्डर में कर लें। ऑर्डर में करने का तरीका ये है कि आप उनको क्या दे देंगे, पेज नंबर दे देंगे। हर पेज, हर बुक के ऊपर पेज नंबर होते हैं, हर नोट्स के ऊपर पेज नंबर लगे हुए होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने का एक आसान तरीका है। किस तरह करेंगे ये काम आप, बहुत आसान है। देखिए आप क्या करें, आपको पहले चूज करना होगा कि पेज नंबर कहाँ से देने। तो हम बहरेंगे, हम कह रहे हैं कि भाई हम पेज नंबर जो देना चाह रहे हैं ना वो इंसर्ट में से जाके देना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हमें पेज नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि भाई ये पेज नंबर जो आप देना चाह रहे हैं ना, या तो आप पेज के टॉप पर दे सकते हैं, या फिर पेज के बॉटम पर दे सकते हैं, या फिर करंट पोजिशन पर दे सकते हैं। करंट पोजीशन को छोड़ के पहले टॉप और बॉटम को देख लेते हैं। जब हम टॉप में जाते हैं तो हमें बोलता है कि भाई पेज नंबर के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, देखो इसमें से आप कोई पसंद कर लो। लेकिन आप पेज नंबर टॉप के भी 3 एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो लेफ्ट पे दिखा सकते हैं, या सेंटर में दिखा सकते हैं, या फिर राइट पे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे बने बनाए बहुत सारे फॉर्मेट हैं। तो मैंने कहा यार मैं टॉप पे नहीं दे रहा, मैं बॉटम पे देना चाह रहा हूँ, तो बॉटम में भी मुझे 3 हिस्से दिखा रहा है, यानी कि ये 3 एरिया से कहाँ देना चाह रहे हैं। तो एक नंबर तो ऐसे दे सकते हैं 1 2 3 4 डायरेक्टली, और एक नंबर ये कह रहा है कि ऐसे देंगे 1 पेज 2 पेज दिखाएगा, और एक नंबर ऐसे देगा ये बने बनाए टेम्पलेट से PG1 PG2 Page 1 Page 2, और इस तरह से दे रहा है। अब हम यहाँ से कहते हैं Page 1 of 1 पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन लगाते हैं। क्लिक करने पे आप देखेंगे यहाँ बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने सारे पेजेस को ऐसे अरेंज कर, नहीं कहीं भी सिलेक्ट करने की जरूरत डायरेक्टली, हर पेज के फूटर में ये खुद ही लगा दिया, Page 1 of 4 Page 1 of 2 of 4 Page 3 of 4, और ये हो गया। अगर मैं आगे काम खुद ही करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ अपने काम को, यहाँ पे 20 पैराग्राफ्स और एड कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखें 21 पेजेस पे काम हो गया, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर दिया और आगे वाले पेजेस को भी नंबर खुद ही इसने देना शुरू कर दिया, मुझे अब इसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि यार मेरे डॉक्यूमेंट का भी नाम आ जाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर नोट्स बाय राशिद अली, ऐसे ही लिखूंगा इस पे एक के ऊपर, और ये ऑटोमेटिकली तमाम पेजेस पे खुद ही रिपीट कर देगा, और इस तरह आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा।
और जब भी चाहें आप इसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आप चाहें मैं पेज नंबर नहीं देना चाहता तो इंसर्ट में जाइए और पेज नंबर पे क्लिक करके यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव पेज नंबर। अच्छा मैं अंडू कर रहा हूँ। एक और चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रहा था, पेज नंबर गिनती में भी दे सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर में जाके आप इसको 1 2 3 -1 2 3 अलिफ पे, अलिफ पे जी, अलिफ पे ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, जिसमें चाहें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ओके करेंगे तो ये आपको वैसे ही पेज नंबर दे देगा। और अगर आप यहाँ क्लिक करके फॉर्मेट पेज नंबर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे 1 2 3 और देन ओके करेंगे तो ये नॉर्मल पेज नंबर अप्लाई कर देगा। अब करंट पेज वाला ऑप्शन क्या था, करंट पेज वाला ऑप्शन ये था कि ना मैं ऐसे नहीं देना चाह रहा, ना हेडर पे ना फुटर पे, मैं तो खुद किसी जगह पे देना चाह रहा हूँ कोई शेप बना के। लेट सपोज मैंने यहाँ हेडिंग सेक्शन में, हेडर सेक्शन में या फुटर सेक्शन में किसी शेप के अंदर पेज नंबर देना है और वो शेप मैं अपनी मर्जी का जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक शेप जो है ये वाला जनरेट किया, ये वाला सही रहेगा, और इसको मैंने यहाँ पे जनरेट किया। और अब इसके अंदर मैं पेज नंबर देना चाह रहा हूँ तो राइट बटन दबा के मैंने इसको कर दिया एड टेक्स्ट और ये इसके अंदर आ गया। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे पेज नंबर देना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट आ गया, देखें कलर क्या आ रहा है, वाइट है, ठीक है, ओके सेट है, कलर की पोजिशन भी सेट है। तो इंसर्ट में जाइए, पेज नंबर पर क्लिक करें और कौन सा ऑप्शन लेंगे, करंट पेज नंबर। अब जो भी स्टाइल आप लेंगे यहाँ से ले लें, वो स्टाइल इसके ऊपर आप लगा दें, जैसे कि मैंने ये वाला स्टाइल लगा दिया। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे वाले का फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो डार्क पे डार्क हो रहा है तो ये वाइट हो गया। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, बल्कि इसके सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखिए अब ऑटोमेटिकली ये शेप ऑटोमेटिकली हेडर में है तो सब पे रिपीट होता रहेगा और उस पर ऑटोमेटिकली पेज नंबर भी इस तरह से असाइन किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन जो है पेज नंबर के भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हेडर एंड फूटर और पेज नंबर, हेडर एंड फूटर जब आप यूज करेंगे, जब आपको पेज की हेडिंग या पेज का फूटर जो है आपको रिपीट कराना है तमाम पेजेस के ऊपर, और पेज नंबर जब आप यूज करेंगे जब आपको डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली एक पेज पे रखना हो तो क्या करना।